ह्युंडई एक्स्टर। इस गाड़ी के लॉन्च होते ही मार्केट में नेक्स्ट लेवल कंपटीशन बिल्डअप हुआ है, क्योंकि ह्युंडई ने इसे 6 लाख रुपए में लॉन्च किया है एंड 8 लाख रुपए में तो ये गाड़ी सनरूफ के साथ आती है। देन कंपटीशन में टाटा मोटर्स ने भी अल्ट्रोज एंड पंच में सीएनजी ऑफर करा है, तो इस बीच हमें काफी फायदा हुआ है क्योंकि अब हमें सिर्फ सनरूफ के लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर सब 4 मीटर एसयूवी पे शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। हैचबैक एंड माइक्रो एसयूवी में भी ये ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं इंडिया की टॉप 5 चीपेस्ट कार जो कि सनरूफ के साथ आती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 5th नंबर पे है टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन के XMS वेरिएंट से सनरूफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस गाड़ी का प्राइस है 9.60 लाख रुपीज, बट अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में चाहिए तब आपको पे करने पड़ेंगे 10.24 लाख रुपीज। बट अभी ये गाड़ी आपको प्रीफर नहीं करनी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट मंथ सितंबर 14th को नेक्सॉन का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है एंड इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं लुक्स, इंटीरियर, फीचर्स एंड इंजन में भी। तो आप नेक्सॉन फेसलिफ्ट के लिए वेट करें, उसके बाद आप इसके लिए जा सकते हैं। अब मूव करते हैं वीडियो में एंड 4th नंबर पे है महिंद्रा XUV 300। आई एम डैम श्योर इस पोजीशन पे इस गाड़ी को देखकर बहुत सारे लोग शॉक हुए होंगे क्योंकि XUV 300 सेगमेंट में सबसे ज्यादा ओवर प्राइस्ड गाड़ी कही जाती है। बट अगर आपको सनरूफ वाली वेरियंट लेनी है तब तो ये आपको सस्ती पड़ेगी क्योंकि XUV 300 के W4 से ही सनरूफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आपको 8.42 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन में, बट अगर आपको यही गाड़ी लेना है ऑटोमेटिक में सनरूफ के साथ तब आपको W6 के लिए जाना पड़ेगा एंड इसके लिए आपको 10.69 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे। सनरूफ के साथ साथ गाड़ी में और भी बहुत से इंपॉर्टेंट फीचर शामिल है एंड इंजन की बात करें तो 2 इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है ये गाड़ी। फर्स्ट 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड सेकंड 1.5 लीटर टर्बो एमहॉक डीजल इंजन। नो मूव ऑन 3rd कार जो की है टाटा पंच। इसमें सनरूफ आने के बाद अब माहौल थोड़ा बराबर हो गया है, वरना एक्स्टर एक तरफा पड़ रही थी फीचर्स के मामले में। पंच के XMS वेरिएंट से सनरूफ मिलना स्टार्ट हो जाता है एंड इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 8.25 लाख रुपीज मैनुअल ट्रांसमिशन में, बट अगर आपको ऑटोमेटिक के लिए जाना है तो आपको 8.85 लाख रुपीज पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा गाड़ी में आपको और भी बहुत से फीचर्स मिलते हैं जैसे कि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रूफ रेल्स, अलॉय व्हील्स, LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड मोर फीचर्स। और इंजन की बात करें तो ये 1.2 लीटर रेबोट्रॉन पेट्रोल इंजन में अवेलेबल है। अब मूव करते हैं सेकंड पोजीशन पे जो कि है टाटा अल्ट्रोज। इंडिया में सिर्फ 2 ही हैचबैक है जिसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलता है एंड अल्ट्रोज उसमें से एक है। अल्ट्रोज के XM+S वेरियंट से सनरूफ मिलना स्टार्ट हो जाता है जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 8 लाख रुपीज मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए, बट अगर आपको यही वेरियंट ऑटोमेटिक में चाहिए तब आपको 9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको इसके अलावा और भी बहुत से फीचर्स मिलते हैं जैसे कि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डेबल ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स एंड मोर फीचर्स। एंड इंजन के 2 ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट 1.2 लीटर रेबोट्रॉन पेट्रोल इंजन एंड सेकंड 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, और साथ ही में CNG का ऑप्शन भी मिल जाएगा अल्ट्रोज में। अब मूव करते हैं फर्स्ट नंबर पे जो कि इंडिया की सबसे सस्ती कार है सनरूफ के साथ, तो वो है ह्युंडई एक्स्टर। ये वही गाड़ी है जिसकी वजह से आपको इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं सनरूफ के, वो भी इस प्राइस पॉइंट पे। एक्स्टर के SX वेरिएंट से सनरूफ मिलना स्टार्ट हो जाता है एंड इसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा 8 लाख रुपीज मैनुअल ट्रांसमिशन में, बट अगर आपको ऑटोमेटिक के साथ लेनी है तो 8.68 लाख रुपीज पे करनी पड़ेगी। सबसे सस्ती सनरूफ कार है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा फीचर्स नहीं आते, इसके अलावा और भी बहुत से फीचर्स आते हैं लाइक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैडल शिफ्टर सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC विथ डिजिटल कंट्रोल, 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट एंड और भी बहुत से फीचर्स आते हैं इस गाड़ी में। और इंजन ऑफर किया गया है 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन एंड CNG का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है इस गाड़ी में। तो इंडिया में अवेलेबल ये वो 5 गाड़ियां जो आपको सबसे सस्ती पड़ेगी सनरूफ के साथ। इनमें से आपको कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट में जरूर लिखें एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।